बिहार ललित कला अकादमी, कला दीर्घा, पटना, बिहार। इस कला दीर्घा में भारत के विश्व प्रसिद्ध युवा छपा कलाकार संजीव किशोर सिंह गौतम जी, नमस्ते। यहाँ कलामंगल श्रृंखला के अंतर्गत आपकी प्रदर्शनी लगी है जी। और पहली बार शायद लगी है, कैसा लग रहा है आपको? दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर मी बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम द सोनपुर, इट्स बिलोंग फ्रॉम द यू नो बिहार, सो दिस इज माय फर्स्ट शो। आई फील वेरी गुड, आई गिवन थैंक्स टू कल्चर डिपार्टमेंट कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। मैं अपने बहुत विशाल शो जिसको बोल सकते हैं बिहार में ललित कला अकेडमी में, आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट शो जैसा यहाँ के कलाकारों ने बोला, सो उनके रिव्यू मुझे मिले और आई एम फील वेरी हैप्पी। और यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रयास है कि ये प्लेटफॉर्म मिला है कलाकारों को अपना कला प्रदर्शित करने के लिए। जी बिल्कुल, बींग बिहारी आर्टिस्ट आई फील वेरी प्राउड कि मैं बाहर भी जब भी चर्चा करता हूँ, हालांकि ये मेरा पहला शो है बिहार में जी, जी। लेकिन इसके पहले भी मेरा प्रयास रहा है कि मैं बिहार में आऊँ, लेकिन चूंकि अभी इस बार मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने प्रयास किया है कि जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, जो मेरे नेशनल और इंटरनेशनली जिस चीज़ को लिए मैं जाना जाता हूँ, जिन काम को लेके जाना जाता हूँ, सो अपने इन 25 साल के एज में जो मुझे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, वहाँ से लेकर अभी तक जो बीच बीच में मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक करके जो अचीव किया हूँ, उन सारे काम को एक कंप्लीट शो के रूप में मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सो निश्चित बिंग बिहारी आर्टिस्ट और यहाँ के बिहार के लिए एक अच्छा विषय है। यहाँ आपने दो विधाओं में किया है ना प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी आयोजित किया है आपने, एक छापा कला और एक एक्रेलिक कलर में। जी जी, बेसिकली मैं प्रिंट मेकर जी, बट मैं पिछले 15 साल से लगातार पेंटिंग और प्रिंट दोनों को लेकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पेंटिंग में, प्रिंट मेकिंग में, तो प्रिंट मेकिंग में मैं स्पेशली एचिंग, वुडकट और सेरीग्राफी में काम करता रहा हूँ। एचिंग इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, बट अभी कुछ मैं पिछले 8-10 साल से पेंटिंग को लेकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, जिसमें प्रिंट मेकिंग से जो भी मैंने अचीव किया है, जो भी टेक्निक मैंने अचीव किया है, उसको मैं पेंटिंग में ट्रांसफ़र करता हूँ। सो मेजर टिंटर इज द मेजर यू नो टेक्निक फ्रॉम द प्रिंट मेकिंग, और उसको मैं कैनवास के ऊपर डेवलप कर रहा हूँ, उसके पूरे डेप्थ ऑफ फील्ड को, उसमें बहुत सारे ब्राइट कलर्स को लेके एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ये शो पूरा एक कम्प्लीट पैकेज है प्रिंट मेकिंग एंड पेंटिंग के, जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ सबको लेके। यहाँ आपने दिखाया है कि एक लग रहा है गुलाम है, क्या ये कौन है? नहीं नहीं, ये एक बड़ा अचीवर वर्क है मेरा। यूगोस्लाविया में लास्ट टाइम ललित कला अकेडमी की तरफ से ये शो हुआ था, उसमें ये काम वहाँ पे बिका भी। सो इसमें स्ट्रगल ऑफ फैंटेसी करके ये टाइटल है, जो एक फैंटेसी, जो एक आर्टिस्ट का स्ट्रगल होता है, क्योंकि हम सब मैक्सिमम फैंटेसी में रहते हैं। जो मेरा शो का जो टाइटल भी है सबकॉन्शियस जर्नी, जो मेरे लास्ट 15 ईयर्स की जो सबकॉन्शियस जर्नी है, उस चीज़ को मैंने डिपिक्ट किया है इसमें। तो दिस इज पार्ट ऑफ द फैंटेसी। तो ये पूरा का पूरा आप काम देखेंगे, आपकी प्रदर्शनी में आने के बाद लगता है कि एक स्वप्न लोक में आ गए। जी बेहतर बेहतर आपने समझा उसको। और मेरा एक्चुअली लाइफ का जो काम करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल सबकॉन्शियस फॉर्म को लेके मैं काम करता हूँ। और मैं अपने लाइफ में जो अचीव कर पा रहा हूँ वो बिकॉज ऑफ कि मैं बहुत रेंडम चीज़ों को देखता हूँ। मैं काम करने के पहले बहुत सारा प्लानिंग नहीं करता। जो कुछ भी होता है वो एट ए टाइम जो चेंजेज आते हैं वो मेरे काम में रिफ्लेक्ट करता है। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ का एक प्रतिरूप है, एक लाइफ का एक डिफरेंट सेट्स है जो मैं फील करता हूँ और जो मैं कर पाता हूँ। थोड़ा कैरियर के बारे बताएं अपना। ये एक कोना है जिसमें मैं मोस्ट अचीवर कुछ फॉर्म्स को रखा है। जैसे अभी वेरी रिसेंटली मैं सोमनाथ होर के हाउस पे जो इंटरनेशनल प्रिंट मेकर्स वर्कशॉप हुआ था, उसमें ये है द एमिनेंट प्रिंट मेकर श्रद्धा, इनका बड़ा स्नेह मुझे मिला है अपने काम को लेके, काफ़ी उन्होंने पसंद किया मेरे काम को लेके। सो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ है। जब मुझे, मैं बीएचयू में था
गोल्ड मेडल मुझे मिला था तब का है ये. ये उस समय मिस्टर भंडारी साहब थे गवर्नर, 2001 में मुझे जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था उस समय का है. और एक बार इम्पोर्टेंट है मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट इंडिया के, ये स्पेशली मेरे शो में आए थे जब मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था तो, और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने एक डिनर पे. तो हम सब आर्टिस्ट वहाँ पे गए थे. इस फोटोग्राफ से भी कुछ दिख पाया है आपको उसमें लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय. और मुझे इस उनका भी आशीर्वाद आपको मिला. मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि प्रधानमंत्री महोदय का कलाकारों के प्रति इतना सहृदय है वो. मीन्स उनके पूरे 1.5-2 घंटे का जो टाइम था हम लोग के साथ जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो अमेजिंग था. मुझे अभी भी वो क्षण याद है कि इतना सहृदय होके कलाकारों के बीच में रहना, कलाकारों से बात करना, कोई भी एक अदर कोई भी टॉपिक उन्होंने उस दौरान नहीं छेड़ा, सिर्फ कला और कलाकार के बारे में बात करते रहे. तो एक बड़ा खूबसूरत सा वो टाइम था जो मुझे हमेशा याद रहता है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद के अवतार हैं और स्वामी विवेकानंद का जो अधूरा सपना था वो पूरा कर रहे हैं, इसलिए आप भी तो युवा हैं, तो युवाओं की बात तो सुनेंगे ही ध्यान से. और ये चित्र बताएं. ये एमिनेंट आर्टिस्ट जतीन दास है. हम लोग बोर्ड ऑफ स्टडी के दोनों मेंबर थे गया में उस समय का है. हम लोग साथ में थे. ये गोल्ड मेडल मुझे जब मिला था कहाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ. अच्छा, 4 साल मैंने वहाँ से टॉप किया है. कौन सा विषय था? पेंटिंग से मैंने किया था वहाँ. पेंटिंग जी. ये एक इंटरनेशनल विजिट का है जब मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था बैंकॉक थाईलैंड जी. कैसा रिस्पॉन्स रहा वहाँ? बहुत बहुत ही अमेजिंग था, बहुत खूबसूरत था. और मेरा जैसे मैंने बोला कि मेरा काम में एक स्वप्न लोक है, तो उस समय भी मैं स्वप्न लोक में ही था क्योंकि दैट टाइम मैं 22 इयर्स ओल्ड था ओनली. और विश्व पटल पे सारे कलाकार जो अपने अपने देश के राष्ट्र को रिप्रेजेंट करके 3-3 नेशनल अवार्ड ही आए थे, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय था. और उस समय एक बिहार का एक अलग छवि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख पाया. और जो जूरी मेम्बर थे उनका भी यही कमेंट था कि आपके काम में बिल्कुल वो बिहार का जो मिट्टी का खुशबू है वो दिखाई दे रहा है, वो खुशबू महसूस कर सकते हैं, इसलिए शायद उतना बड़ा अवार्ड मुझे मिला. कौन सा अवार्ड था वो? ये नोकिया इंटरनेशनल, पहले नोकिया नेशनल अवार्ड मिला था, उसके बाद फिर नोकिया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. उसमें स्विट्जरलैंड को, इंडिया को, इंडिया से मैं था, और एक चाइना के, 3 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण था. बचपन में आपने सोचा था कि मैं चित्रकार बनूंगा, क्या सोचा था आपने? पहले तो मैं डॉक्टर इंजीनियर बनने का सोचा. नहीं, मैं बहुत बच्चा, मैं शुरू से ही हवा को पसंद करता हूँ, आसमान को पसंद करता हूँ, प्रकृति को पसंद करता हूँ. इसलिए प्रकृति दिखाई देता है. तो मैं पायलट बनना चाहता था पहले. पायलट जी. मैं हवा. कौन सा एज था वो जी? कौन सा एज था? करीब मैं 3rd क्लास में था. तीसरा क्लास जी. लेकिन क्लास 5 में था तो इंडिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे पुरस्कार मिला था उस समय. नंदन पत्रिका है, हिंदुस्तान टाइम्स. हाँ जी. उसमें मेरी पेंटिंग छपी थी. तो वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है. वहाँ से मैं ये सोचा कि बच्चों की पत्रिका है वो. जी. और राष्ट्रीय पत्रिका जी. मेरी पेंटिंग छपी थी. क्या विषय बनाया था? उसमें एक सब्जेक्ट दिया था कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा क्षण है जो आपको अति भावुक स्पर्श देता है, मीन्स आपके लाइफ को बड़ा एक चेंज देता है. तो मैंने उसमें बनारस से बेस्ड जो राजा हरिश्चंद्र की जो कथा है, जब सव्या रानी लेके आती है अपने पुत्र को शमशान पे, और उस समय भी राजा हरिश्चंद्र उनसे अपने ईमानदारी के लिए उनसे मांगते हैं कि कफन का मूल्य दो. अपना कर्तव्य का पालन किया उन्होंने और वो अपने साड़ी को फाड़ करके कफन देती है उनको. तो वो समय का मैंने वो दृश्य अंकित किया था. वो बड़ा मार्मिक दृश्य है क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड थिएटर से है. मेरे दादाजी, फादर, फोर फादर, दे ऑल आर बिलोंग फ्रॉम द थिएटर आर्ट. सो मैं बचपन में वो दृश्य देखता था नाटक करते हुए उन लोगों को. सो मेरे जहन में था और वही मैंने बनाया था और उसमें मुझे वो पेंटिंग में पुरस्कार मिला था. तभी से मेरा लाइफ का एक मोट हुआ कि नहीं, मुझे आर्टिस्ट ही बनना है. आपने भी नाटक किया है क्या? मैंने किया है. कुछ एक करेक्टर मैं आपको दिखाऊंगा. बचपन में आपने किया? नहीं, मैं अभी कुछ समय पहले, करीब 6-7 साल पहले मैंने एक प्ले किया था, कालिदास का यंग पीरियड का. वो एक थिएटर था जिसमें बेसिकली बड़ा कंटेम्प्रेरी थॉट था वो, कि कलाकार को या किसी भी क्रिएटर को क्रिएशन का फ्रीडम होना चाहिए. तो उसके बेस्ड 7वां सर करके एक नाटक था, उसको मैंने कालिदास का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था. इस कलाकृति के बारे में थोड़ा बताएं आप.
ये एक जैसा मैंने आपको बोला कि पूरा ही काम मेरा प्रकृति और नारी से जुड़ा हुआ है, चूँकि नारी सबसे खूबसूरत कृति है प्रकृति का, और मैं मानता हूँ कि नारी का सम्मान, नारी का जो एक स्थान है वो सर्वोपरि है, प्रकृति का सबसे खूबसूरत कृति है ये, तो इसलिए मैंने नारी को डिपिक किया है और प्रकृति के ये गॉडेज ऑफ नेचर इसका टाइटल दिया है, प्रकृति की जो देवी है उसके सारे प्रकृति के फॉर्म्स जो आप भी देख रहे हैं जिस तरीके से आप, और विशेष ये है कि मैं एचिंग और मेजोटीन से जो भी मैं अचीव करता हूँ उसको मैंने टेक्निकली इस पर डिपिक किया है, सो दैट्स वाई क्वाइट एक्सपेरिमेंटल वर्क है ये और प्रकृति को समर्पित है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लग रहा है इस चीज़ को देखने से अलग दुनिया में आ गए हैं, स्वप्न लोक में ही आ गए हैं, और प्रकृति के बहुत सारे चीज़ दिख भी रहे हैं इसमें, ये वन्य प्राणी दिख रहे हैं यहाँ पे, बाघ है, उसके बाद मछलियाँ हैं, एक्चुअली अभी समकालीन तितलियाँ भी हैं, जी जी, अभी कंटेम्प्रेरी आर्ट में सूरज भी दिख रहा है, जो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मैं हमेशा हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है। यहाँ लग रहा है कि कौन है यहाँ से बांसुरी भी बजा रहा है कोई, हाँ प्रकृति का एक सेट है जो संगीत से रिलेटेड, एक्वेरियम भी दिख रहा है यहाँ पर मछलियाँ बहुत इसमें, और इधर ये एक और इम्पोर्टेंट काम है ये कालरात्रि करके, क्योंकि कालरात्रि जो सब्जेक्ट है वो प्रकृति का एक बड़ा पावरफुल सब्जेक्ट है, कालरात्रि जो माँ है एक देवी भी है, हाँ, जी जी, वो प्रकृति का सबसे माँ दुर्गा का एक रूप है, जी जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वो, हाँ हाँ, सो मैं उसी समय कालरात्रि के समय ये मैंने एक कैंप में काम किया था। कालरात्रि देवी के बारे में कहा गया देखने में वो बहुत भयानक है लेकिन वो अपने भक्तों पर कृपा करती है, मतलब अपने पुत्र समान उसको कृपा करती है, उसका देखभाल भी करती है। समय समय पर फिल्म मेकिंग, यहाँ एक बहुत ही अच्छा ये, हाँ, इसके बारे में यही कालिदास जो मैं बोल रहा था कि कालिदास का ये कैरेक्टर है, हाँ हाँ, और विस्कोसिटी मेथड में किया, मेरा सेल्फ कैरेक्टर है जब मैं कालिदास बना था, सो उसी को मैंने एचिंग में और विस्कोसिटी में मैंने ये एचिंग किया। थोड़ा बताएं दर्शकों को, एचिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय अभी बन गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसमें बहुत से अभी युवा कलाकार, सीनियर कलाकार तो बहुत लोगों ने, कृष्णा रेड्डी साहब, लक्ष्मा गौर साहब, ऐसे बहुत से कलाकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन अभी यंग जो प्रिंट मेकर्स आ रहे हैं, जो यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं, उसमें प्रिंट मेकिंग को लेके काफ़ी एक क्यूरियोसिटी है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 15 साल से प्रिंट मेकिंग में लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सो ये एक प्रिंट मेकिंग का एक विषय है जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं। कैसे बनाया है आपने? ये जिंक प्लेट के ऊपर वर्क करते हैं, फिर नाइट्रिक एसिड और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से उसको बाइट करते हैं, और इस तरीके से लकड़ी पे, ना जिंक प्लेट पे, जिंक प्लेट पे सो तकनीकी रूप से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, लेकिन उतना ही मज़ा आता है क्योंकि आप बहुत नए नए प्रयोग कर पाते हैं उसमें। कितना समय लगता है? समय साध्य है काफ़ी समय लगता है इसमें, जी, धैर्य भी जरूरी है, कई महीनों लग जाता है काम। इसमें कितना समय लगा आपको? ये तो मैं एक इंटरनेशनल कैंप किया था चेन्नई में, पलनियप्पन सर का विशेष वो था, पलनियप्पन इज अ वेरी गुड प्रिंट मेकर इन इंडिया, तो उनका ये था कि मैं एक और काम किया था उसके साथ, उन्होंने बोला था कि एक विस्कोसिटी भी आप करो, बिकॉज वो जानते हैं मेरे काम का कैपेसिटी, तो डे नाइट करके मैंने काम किया था उस दौरान, तो करीब 8 दिन में मैंने रात रात को इसको कम्प्लीट किया, रात में जगना भी पड़ा पूरा फुल नाइट। पूरे एग्जीबिशन का जो कंपोजिशन है वो तकनीकी रूप से भी, एस्थेटिक्स रूप से भी, कि प्रकृति के चीज़ों को लेके प्रकृति के चीज़ों को डिपिक करना, मीन्स कई जगह पे वह वुड कट देखेंगे, कई जगह एचिंग देखेंगे, कई जगह एक्रेलिक देखेंगे, माध्यम अलग अलग है लेकिन फॉर्म और प्रयोग में समानता है। इस थोड़ा इस चित्र के बारे में बताएं दर्शकों। ये भी एक उसी सीरीज का चित्र है, गॉडेज ऑफ नेचर करके है, और इसमें मैंने कुछ कुछ फॉर्म्स जो लिया है वो फोक और ट्राइब फॉर्म से लिया है मैंने, बिकॉज अभी जो मुझे महसूस होता है हमेशा से कि
फोक जो हमारे स्पेशली बिहार का और हजारीबाग का जो फोक और ट्राइब आर्ट है, हाँ, लोक कला और आदिवासी कला, वो काफी स्वतंत्र है। जैसे मैंने बोला कि मेरे काम का जो टाइटल है वो सबकॉन्शियस जर्नी, सो वो उन लोगों में बड़ा प्योरिटी मुझे दिखाई देता है हमेशा से। जबकि जो तकनीकी रूप से जो अध्ययन करके जो कलाकार बनते हैं आर्ट कॉलेज से, वो बड़ा आर्टिफिशियल हो जाते हैं, उनमें बड़ा जड़ता आ जाता है कि नहीं ऐसे ही करना है, 2x2 = 4 ही होगा। लेकिन आर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, 2x2 = 5 होता है। सो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो लोक कलाकार हैं या जो ट्राइब आर्टिस्ट हैं, वो बड़ा विवाक है, बड़ी स्वतंत्रता है उनके काम में। तो वो स्वतंत्रता, वो जो फ्लेवर है, वो मैं हमेशा अपने काम में कई बार अडॉप्ट करता हूँ। तो बहुत सारे फॉर्म आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा, हाँ, उसमें टेक्निक थोड़ा सा, ये सब जो देख रहे हैं डिटेल, ये सब जो दिख रहा है, ये सब तो विशेष तरह से जो मैं प्रिंट मेकिंग से जो मैंने अचीव किया है, वो मैं इसमें पहली बार देखने को मिल रहा है, पटना में पहली बार देखने को मिल रहा है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली इंडिया में बहुत रेयर है, ये इस तरह के टेक्निक को लोग ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। तो ये मेरा अपना सोच है, मेरा अपना प्रयोग है, जो मूल रूप से मैं अपने उसमें काम में करता हूं। लग रहा है बाघ है ना, टाइगर? हाँ, ये वही फॉर्म है, ये प्रकृति का जो एक है, शेर का। और यहाँ पर कितनी देवी लग रहा है, है ना? वो कंटेम्पररी फॉर्म है उसका, और पूरा दोनों का एक मिश्रण है, फोक और कंटेम्पररी फॉर्म का। एक इससे इंस्पायर्ड अभी मैं, ये थोड़ा बताइए क्या है? ये एक उडकट माध्यम में एक काम है, और अभी उडकट लकड़ी पे किया जाता है, लकड़ी पे। अच्छा। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं अभी प्रिंट मेकिंग को पेंटिंग में ट्रांसफर करता हूँ, वो तकनीक को जो मैं अचीव कर पाता हूँ पेंटिंग में मैं करने का कोशिश किया है। तो अभी सेम जो मेरा नया एग्जीबिशन होने वाला है, वो अगर इस साइज का अगर मैं एक पेंटिंग बनाता हूँ, जो इसमें आप देख रहे हैं जो कलर के, जो बहुत सारे कलर मल्टी कलर में यूज करता हूँ, सो ये कलर को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अगेन प्रिंट मेकिंग में। सो आप कह सकते हैं कि प्रिंट मेकिंग से पेंटिंग में ट्रांसफर किया, और फिर अगेन आई टेक फ्रॉम द पेंटिंग टू प्रिंट मेकिंग, जो कलर्स मैं वहाँ से अचीव कर रहा हूँ वो इसमें मैं डालने का कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा सिमिलर, बहुत सारे कलर्स नॉर्मली पेंट, हाँ हाँ, पहली बार देखने को मिल रहा है ये। सो अगले बार शो जो मेरा होगा, अगर 6x6 का पेंटिंग होगा तो एट ए टाइम 6x6 का प्रिंट होगा, और बिल्कुल एक दूसरे को कम्प्लीट करेगा। सो दिस इज माई प्लान एक्चुअली फॉर द कमिंग फ्यूचर। मेरी ओर से शुभकामना, आप सफल हो इसमें। और कुछ दिखाना चाहिए इसमें? प्रिंट ये एक थोड़ा पहले का है, इसमें मुझे ललित कला अकेडमी का पुरस्कार भी था। ये क्लासिक टू मॉडर्न है, आई ट्राई टू मेक अ फ्यूजन विद द क्लासिक टू मॉडर्न, क्योंकि हमेशा से कंट्रोवर्शियल चीज़ें रही हैं कि दो जनरेशन एक दूसरे को हमेशा हरास करते रहा है। हाँ, दोनों एक दूसरे के विरोधी। जी जी बिल्कुल, जो कि अभी देखा जा रहा है समाज में, परिवारों में भी। बड़े लोग हमेशा छोटों को अंडरस्टिमेट करते हैं, या छोटे हमेशा बड़ों को इग्नोर करते हैं। सो मैंने ये दो जो है कंटेम्प्रेरी फॉर्म और जो क्लासिकल फॉर्म है, दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का कोशिश किया है, इसे काइंड ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं आप। सो टाइटल इज कॉल्ड क्लासिक टू मॉडर्न। सो ये सीरीज था मेरा पूरा, और इसमें कई सारी जगह पे मुझे पुरस्कार भी मिले इस सीरीज में। एक और अंतर्राष्ट्रीय अभी प्रिंट मेकिंग कैंप था जयपुर में, उसमें ये काम किया था। दिस ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द गॉडेज ऑफ नेचर। जी, एक ड्राइव पॉइंट में कुछ क्वाइट एक्सपेरिमेंटल काम है, लंदन के एक बायर थे, उनको ये बहुत पसंद था काम, उन्होंने इसका प्रिंट एक परचेज किया। और इसमें मैं फर्स्ट टाइम मेजो ड्राइव पॉइंट में अलग तरह के प्रयोग किया। ड्राइव पॉइंट में नॉर्मली लोग एक कलर के ही मोनोक्रोम में काम करते रहे हैं, टेक्स्चर्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है उसमें। लेकिन मैं इसमें मल्टी ब्लॉक करके और टेक्स्चर्स की भी पॉसिबिलिटी लिया, उसके साथ कलर्स की भी मैंने जो क्वालिटी है उसको इन्हांस किया है। तो एक ये प्रायोगिक काम है। ये इसका क्या मीडियम है, क्या है ये? ये भी एचिंग है, रिसेंट काम है। हाँ, जब मैं बीएचयू में जब स्टूडियो मैंने एस्टेब्लिश किया था तब एक बड़ा सा काम ये। आपने एक इधर पेंटिंग लगाई है, वो हंगर पे है। जी जी, हाँ जी। ना, उससे एक इम्पॉर्टेंट और काम है यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ये एक अभी बड़ा कंटेम्प्रेरी थॉट का काम है, इंडियन रियलिटी शो इसको बोलते हैं, इंडियन रियलिटी शो बेस्ड पे है, और अभी बिनाले इंटरनेशनल में और ललित कला एकेडमी का पुरस्कार भी इसमें मुझे मिला। कहाँ? यूपी में। अच्छा। ललित कला एकेडमी लखनऊ। लखनऊ में। जी जी जी। तो अभी जो इंडिया में जो इंडियन रियलिटी शोज जो चल रहे हैं, लाइक म्यूजिक को लेके, बिग बॉस और बहुत सारे शोज चल रहे हैं, उसका इनसाइड आउटसाइड क्या स्टोरी है, क्या थॉट्स है, उस प्रोसेस को जो मैं समझ पाया उसको मैंने किया।
ये एक मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको एक्सीडेंट टाइटल मैंने दिया था। ये काफ़ी पुराना है, 2001 का काम है, और जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि इसमें मुझे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था नोकिया का इसी और, पर जी जी, और पूरे विश्व में करीब इसके छः कंट्री में इसका कलेक्शन है। एक बहुत रिनाउंड फिल्म मेकर है मिस्टर गोथफ्रेड जंकर, आई थिंक उनको ऑस्कर अवार्ड भी उनकी कुछ फिल्म के लिए मिला था। सो उनके पास ये कलेक्शन है, उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन लेटर भेजा, और इसलिए भी मेरे लिए खास है ये प्रिंट, क्योंकि ये एक्सीडेंट इट्स नॉट फिजिकल एक्सीडेंट, ये एक समय है, एक सिचुएशन था जो मेरे लाइफ के बड़े करीब था, और उस सिचुएशन में ही मैंने इसको प्रिंट किया था। ये प्रेरणा कैसे मिली कि इसे इस विषय पे बनाया जाए? ये विषय का अलग से प्रेरणा जैसा कुछ चीज़ नहीं था, मेरा सिचुएशन जैसे मैंने बताया कि मैं उस समय बहुत ही लाइफ के उस मोड़ से गुजर रहा था जब मेरा कुछ भी हो सकता था, मैं या आज कहाँ होता या नहीं होता, किस जगह। दैट टाइम मैं मास्टर डिग्री कर रहा था लखनऊ में, नहीं नहीं, इन खैरागढ़। सो उस समय मेरा जो सिचुएशन था, एक बड़ा इमोशनली एक एक्सीडेंट था जो मेरी लाइफ का बिल्कुल टर्न पॉइंट था, कुछ भी हो सकता था, और उस पर्टिकुलर टाइम में मैंने इस काम को किया। उस समय मेरे कलीग्स और लोगों का बड़ा कमेंट्स था कि संजीव बड़ा हॉरिबल वर्क करते हो। मुझे भी लगा कि पता नहीं ऐसे क्यों लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो पूरा का पूरा एनर्जी जो मेरा टाइम था वो इसमें ट्रांसफर हुआ है, शायद इसलिए भी मेरी लाइफ का सबसे अचीवर वर्क है ये। इसमें आपने आप क्या दर्शाना चाहे हैं, क्या दिखाना चाहा है आपने? ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, एक जो सिचुएशन, जैसे मैंने बोला कि मोस्टली मेरा जो काम है वो मेरे लाइफ को बेस्ड करता है, जो मैं जिस समय जीता हूँ उस समय के सिचुएशंस को ही मैं अपने अलग फॉर्म से, मींस आप कह सकते हैं कि ये लेडीज भी मैं हूँ, ये जेंट्स भी मैं हूँ, ये फॉर्म भी मैं हूँ, ये भी फॉर्म मैं हूँ, फॉर्म्स अलग अलग है लेकिन सिचुएशन सब मेरे ही हैं। तो वो एक पूरा का पूरा जो सिचुएशन था उस समय जिसे मैं सर्वाइव कर रहा था, जिसको लेके जो मैं जी रहा था, उसको मैंने इस पर डिपिक किया है, और वो बड़ा क्रूशियल टाइम था, इसलिए मैं इसका नाम एक्सीडेंट। कौन सा वर्ष था, साल? ये 2002-2001 की बात है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा चित्र बनाया और इसका एक पहचान भी बना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो भूख वाला जरा दिखाते हैं आप, हंगर। एक्सपेरिमेंटल काम है ये, साइज भाई छोटा है लेकिन ये भी बड़ा एक समय को डिपिक करता है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को महसूस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के हंगरनेस होता है। वो सिर्फ एक क्षुधा का भूख नहीं है, बहुत सारी होता है आपको। कभी सेक्सुअल भूख भी हो सकता है, कभी आप पैसे को लेके भी भूख हो सकता है, कभी नाम को लेके भूख हो सकता है, बहुत तरह के भूख होते हैं। जी जी, तो वो उन चीज़ों को एक एक फॉर्म में मैंने किया है। मैं जैसे बताया कि मेरे बहुत सारे लाइफ से रिलेटेड है काम, एक सर्चिंग सिग्नेचर करके पूरा मेरा सीरीज था, जिसमें जब मैं अपने सिग्नेचर को खोज रहा था, एक सेल्फ सिग्नेचर करके मेरा सीरीज आया, जब मेरे सिग्नेचर इस्टेब्लिश होने लगे थे फील्ड में, काफ़ी मेरे पोजिशन स्ट्रांग होने लगा था, तब मैंने अपने सिग्नेचर को इस्टेब्लिश किया था, तो फिर उस समय सेल्फ सिग्नेचर करके टाइटल्स का कई सीरीज मैंने काम किया। तो इस टोटली डिपेंड करता है कि समय समय पर इसमें क्या बना है, क्या लिखा है। ये तो एक अनटाइटल है काम, इसका कोई टाइटल नहीं दिया है मैंने, लेकिन ये एक विशेष माध्यम को लेके किया हुआ है जिसको लिनो एचिंग बोलते हैं, और बहुत रेयर मीडियम है, काफ़ी कम लोग इंडिया में इस क्यों क्योंकि ये मेरा इसमें कुछ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वो मेरा खुद का याद किया हुआ है कि जो बेस है डिफरेंट डिफरेंट जो बेस जिस पे प्रिंट मेकिंग करते हैं, जैसे एचिंग के लिए आपको कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, लिनो चाहिए, आपके लिए वुडकट चाहिए रिलीफ के लिए। सो मैंने फर्स्ट टाइम इसमें वुडकट और लिनो पे एक्सरसाइज करके इसे मैंने एचिंग किया है, तो जो कुछ आप इफेक्ट देख रहे हैं ये एचिंग का इफेक्ट लिनो पे आया है। तो ये मेरा अपना कुछ खास प्रयोग है जिसको मैं अलग अलग केमिकल्स के द्वारा याद करता हूँ, क्योंकि मैं साइंस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मेरा इंटरमीडिएट तक साइंस था, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई नो कि उसमें किस किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर करके ही है। इसमें स्पेशली जो मैं बात कर रहा था अभी फोक और ट्राइब फॉर्म को, ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने किया है, पूरा वो जो एक इनोसेंसी है काम में, कलर्स को बहुत सारे प्रकृति के जो रंग है उसको एक साथ सामंजस्य करने की कोशिश है। संजीव जी, आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सर्वे अपनी कलाकृति का प्रदर्शन किया है,
कोई ऐसा अनुभव बताएं जो कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो कभी भूलना नहीं चाहेंगे प्रदर्शनी के दौरान, कोई अनुभव? सबसे तो मुझे, जब मुझे थाईलैंड में इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, उस समय मुझे बताया नहीं गया था कि मैं आई वाज द अचीवर। ये जरूर बोला गया था कि यस, पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो इसमें हो सकता है कि इंडिया को भी एक अवार्ड जाएगा। तो यू बी अलर्ट अबाउट कि भी वहाँ के राष्ट्रपति, जो वहाँ के राजा होते हैं, वो पुरस्कार देने आए थे थाईलैंड के। और ये बताया गया था कि आप यू कैन नॉट टच द हैंड, आप उनके हाथ को छूएंगे नहीं, जस्ट यू रिसीव, आप अवार्ड लेंगे और आप बस नमस्कार करेंगे। सो दो तीन बार ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट उसके साथ था, नोकिया का इंटरनेशनल उसमें नया लॉन्च हुआ था मोबाइल, वो दिया, फिर उन्होंने वहाँ का एक ट्रेडिशनल पॉट है गोल्ड का बना हुआ, वो उन्होंने दिया, फिर अवार्ड दिया। सो इसे दो तीन बार उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, और कई बार उन्होंने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, लेकिन कहा गया था कि हाथ नहीं टच करना, तो मैं उनको बस नमस्कार करके छोड़ दिया। तीसरी बार मैंने, मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी तरफ से उनके लिए आदर सूचक नहीं है, इंसल्ट होगा, तो मैंने तीसरे बार उनको हाथ को होल्ड किया, और तब उन्होंने गले लगा लिया मुझे। सो वो मेरे लिए एक बड़ा अमेजिंग सिचुएशन था, कि आपको जो प्लान्ड कुछ और होता है और कुछ होता लाइफ में कुछ और है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान हो गया कलाकारों का, चित्रकार का, सबकॉन्शियस चीज है, और एक तरह से केवल आपका सम्मान नहीं, ये बिहार और पूरे भारत का सम्मान हो गया, पूरे भारत के जो कलाकार सभी का सम्मान हो गया, क्योंकि कहा गया था आपको कि हाथ नहीं मिलाना है, लेकिन वहाँ के राजा ने आपको बार बार रिक्वेस्ट किया कि हाथ मिलाओ, अंत में जाकर वो आपको भी विवश होना पड़े कि हाथ मिलाना ही है। मैंने मैं नियम को तोड़ करके, इंटरनेशनल जो मार्केटिंग अफसर थे नोकिया के, उनको मैंने एक्सक्यूज भी कर रहा था कि सॉरी मैं तो ऐसे नहीं हूँ, और वहाँ के राजा ने आपको गले भी लगा लिया। उन्होंने बोला ही नहीं, नहीं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज आपने उनजी को समझा और आपने उनका स्वीकार किया, अतिथि स्वीकार किया, और इसलिए बहुत अच्छा हो गया कि इंडिया का नाम और बेहतर हुआ है आपके उसमें, ये हमारा संस्कार है। हाँ जी, भारत में आपने और कहाँ कहाँ लगाया है प्रदर्शनी? मोस्टली तो लगता है सभी शहरों में हो चुका है, मोस्टली हर जगह पे हो चुका है। अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली में कई बार मेरे शो हुए हैं, जयपुर में हुआ है, भोपाल में हुआ है, कई जगह सोलो शो हुए हैं, कई जगह अच्छे मेजर ग्रुप शो हुए हैं बड़े आर्टिस्टों के साथ। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं चूँकि इंडिया के सबसे कम उम्र का अचीवर हूँ, तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण शो था जो ललित कला एकेडमी का 50 साल होने पे स्वर्ण रेखा करके एक शो हुआ था, अमृत पटेल बड़े रिनाउंड पेंटर हैं, उन्होंने इस शो को क्यूरेट किया था ललित कला एकेडमी की तरफ से, उसमें हुसैन साहब से लेके मेरे तक और मेरे दो तीन साल बाद तक के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के कलाकार थे उन सब का काम था, तो मेरा काम और सामने हुसैन साहब का काम था, तो वो टाइम मेरे लिए बड़ा अमेजिंग रहा है। एमएफ हुसैन? जी जी, एमएफ हुसैन का। कहाँ पर? ये दिल्ली में थे ललित कला अकादमी में, वो आए थे प्रदर्शनी में। हाँ, उनको सम्मान भी सम्मानित किया गया था ललित कला रत्न से। अच्छा जी, और 10 आर्टिस्ट को पुरस्कृत किया गया था, और उसमें वो शो अमेजिंग था, उसमें से 30 कलाकार का काम चयन करके फिर अंतर्राष्ट्रीय बेलग्रेड में गया था काम, उसमें से एक मेरा भी मेजर काम था। संजीव जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आप अपना आदर्श किस चित्रकार को मानते हैं, कलाकार को भारतीय? ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि मेरे काम के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर आर्टिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, मैं अपने आप को स्वतंत्र कलाकार मानता हूँ, और कलागुरु किसे मानते हैं? ओरिएंटेड आर्टिस्ट मानता हूँ। कलागुरु किसे मानेंगे आप, किसे मानते हैं? मैं ये भी सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं है। टीचर बहुत लोग हो सकते हैं, टीचर होना एक सिस्टम है। प्रकृति को मानते हैं गुरु अपना? ऑब्वियस, तो वही तो गुरु हुई। अब प्रकृति ही मेरा पहला और अंतिम प्रकृति गुरु माता है। लेकिन कला विद्यालय में कोई मेरे गुरु नहीं है, प्रकृति फर्स्ट एंड लास्ट टीचर और गुरु जो भी है। संजीव जी, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी कि आपने बिहार का नाम रोशन किया दुनिया भर में, विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप और बिहार का नाम रोशन करें, कलाकारों को और सम्मान दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।